Welcome to sjinceptions, your aquarium channel. I am at India's one of the biggest marine fish shops. And ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हमारे चैनल का रीसेंट वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है. और इस मंथ में आपने जितने भी सारे वीडियोस देखे वो सारे शूट किए थे अक्टूबर में. मैंने इस मंथ में यानी नवंबर में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था. द रीज़न बिहाइंड दिस वॉज कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था और मुझे पिछले वीक ही डिस्चार्ज मिला है. अभी मैं फ़िलहाल फिट एंड फाइन हूँ. तो अभी मैं आपके लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ, नए नए वीडियोस लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून फॉर देम. और इसी दौरान जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तब हमारे चैनल ने एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का. एस जे इंसेप्शंस पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए एंड इसमें आप सभी का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. सो आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड फॉर बिलीविंग इन द चैनल. सो 1 लाख की खुशी में बहुत जल्द हमारे चैनल पर एक गिव अवे होगा, एक मीट एंड ग्रीट होगा और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स भी आपके लिए हो गए. सो उसके लिए आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज से जुड़े रहिएगा. एंड लेट मी टेल यू दैट मिथिलेश भाई के नंबर के नीचे आपको हमारे चैनल के इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी. सो आप कनेक्ट कीजिएगा हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज के साथ सो दैट आपको ये सारे न्यूज़ आपको जल्द से जल्द मिल सके. सो नाउ विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड एंड वॉच ऑल द न्यू मरीन फिश स्टॉक दैट हैव अराइव्ड एट एमबीडीबी मरीन ट्रेडिंग. तो इस वक्त हमारे साथ है एमबीडीबी मरीन ट्रेडिंग के ओनर मिस्टर मिथिलेश भरद्वाज. हेलो मिथिलेश भाई, कैसे हो आप? जी तो मिथिलेश भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी. और फिर से एक बार काफ़ी कमाल का खूबसूरत मरीन का स्टॉक आप ले गए. व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट इट, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट द स्टॉक दैट हैव अराइव्ड? लाइक वी हैव गॉट दिस टाइम आल्सो वैरायटीज, लार्ज वैरायटीज ऑफ फिशेस एंड यू कैन सी ऑल फिशेस आर वेल क्वारंटाइन एंड वेरी हेल्दी फिशेस. ओके, इंटरेस्टेड राइट एंड भाई जितने भी स्टोर्स में विजिट करता हूँ आपका जो मरीन फिश स्टोर है काफ़ी पसंद आता है मुझे, क्योंकि ऐसे ऐसे वैरायटीज आपने हमें दिखाए जो मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार मेरे लाइफ में आपके स्टोर में देखे हैं. इसके वजह से हमने पिछले बार एक अनकॉमन एक्जोटिक फिश का वीडियो भी बनाया था एंड द वे यू कीप योर फिशेज, द वे यू मेंटेन द टैंक्स, जिस तरह से आप आपके फिशेज को फीडिंग करते हो, इसलिए काफ़ी मज़ा आता है मुझे आपके स्टोर पर आना, आपके फिशेज को शूट करना. सो विथ योर परमिशन कैन वी स्टार्ट कवरिंग योर फिशेज? ऑलराइट. सो हियर इज द फर्स्ट ब्यूटीफुल फिश दैट वी आर कवरिंग. ये फिश मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मेरी लाइफ में एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी पहली बार देख रहे रहोगे. एंड हमारे साथ मिथिलेश भाई है. तो मिथिलेश भाई क्या बताना चाहेंगे इस फिश का नाम और उस फिश के बारे में? दिस इज ब्लू ग्रीन बर्ड रास एक्सेल साइज. ब्लू ग्रीन बर्ड व्रास, इट्स अ व्रास कैटेगरी. या अच्छा. एंड प्राइस जानना चाहेंगे हम, क्या प्राइस है? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 4500. अच्छा. ओके भाई, ये फिश तो मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ. ये फिश के आती नहीं है स्टोर में, मतलब नहीं आती है. हाँ, नॉर्मल स्मॉल साइज देखे रहेंगे, मीडियम साइज, बट ये साइज की नहीं देखे रहे. अच्छा, इतनी बड़ी नहीं आती है? आपने बताई नहीं. ओके. और बड़ी होने के बाद मेरे ख्याल से इसलिए मेरे को पहचानने नहीं हो रहा है कि बड़े होने के बाद इसका जो लुक है, पैटर्न है, बहुत ही मतलब डिफरेंट हो जाता है. right. ऐसा लगता है कि मतलब छोटी थी वो अलग थी, बड़े होने के बाद कुछ अलग ही मतलब इसका right. जो है लुक right. हो गया. नाउ विल मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट फिश. दिस वॉज द फर्स्ट फिश दैट वी कवर्ड. अगली कमाल की फिश अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने जो है. तो मिथिलेश भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश? दिस इज ब्लैक रिबन ईल. ऑल राइट, ब्लैक रिबन ईल. तो भाई इसको जार में रखा है बिकॉज डज इट ट्राई टू एस्केप? या ही ट्राइज टू एस्केप, इसलिए हमने अभी जार में रखा है फिलहाल. ओके. सो भाई अगर किसी को फिर ये खरीदते कोई और कोई अगर घर अपने टैंक में रखते तो फिर इनको कैसा सेटअप लगता है सो दैट दे डोंट ट्राई टू एस्केप? ओपन नेटिंग सिस्टम भी पीपल आर कीपिंग सो कि फिश जंप नहीं करे. अच्छा. और एस्केप नहीं करे तो उसमें नेट लगाना पड़ता है, बट वी आर नॉट हैविंग राइट नाउ, तो आई हैव कैप्ट इन जार. ऑल राइट. सो भाई अरवानास, जैसे फ्रेश वाटर अरवानास होती दे ट्राई टू जंप आउट ऑफ द टैंक, तो ऊपर एक बड़ी सी ग्लास शीट रखते हैं, तो इनमें हम वैसा रख सकते हैं क्या? ग्लास शीट भी रख सकते हैं या तो फिर नेटिंग आती है जो नेटिंग भी लगा सकते हैं. ऑल राइट. और आपने इस टैंक के अंदर ऐसे रॉक्स रखे, तो अगर बहुत सारे रॉक्स अगर हम लोग अंदर रखे तो भी ये मतलब ये रहेगी अच्छे से? हाँ, इसको एक्वास्केप रखेंगे एंड दे नीड अ पाइप. अच्छा. बड़ी पीवीसी पाइप आती है वो रख देंगे तो दे विल नॉट एस्केप. नॉर्मली दे कितनी बड़ी रहेगी? ये इट्स अराउंड 2 फीट. ऑल राइट, 2 फीट की है? हाँ, 1.5 से 2 फीट. अच्छा. तो भाई फाइनल चीज़ क्या प्राइस में आएगी? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 4500. ओके. नेक्स्ट
amazing fish variety we are watching. Bhai, kya naam hai is fish ka? This one is zebra angel. Zebra angel. I think, bhai, uncommon exotic fish mein humne isko cover kiya tha. Yeah, right. Okay. Kya price mein aayegi ye? This will cost you around 6,500 rupees XL size. All right, XL size. Aur yaha pe ugly fish hai, this one. Magnificent fox fish. All right. What is the price? These all are XL size magnificent fox fish. So, iski price aayegi aapko around 5,000 rupees. Okay, भाई मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मैं जैसे ही मैंने इसके सामने कैमरा लेके आया हूँ तो आप देख सकते हो कि इसके सारे डॉर्सल फिन जो है खड़े हो गए. हाँ, दे आर स्केर्ड एक्चुअली. अच्छा, उसके लिए दे डू लाइक दिस. ओके, तो मतलब भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी, जब ये मतलब किसी को सामने वाली फिश को अगर इनको डराना होता है या खुद डर जाती है या फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है तभी अपने जो डॉर्सल फिन इरेक्ट कर देती है. राइट. ओके, व्हाट इज द प्राइस? एक्सरसाइज है तो आई टोल्ड यू नो 5,000 रुपीज़. ओके, इसी के अंदर ये दिस वन इज द नेक्स्ट फिश, वाइट चिक टैंक बोलते से. ऑलराइट, व्हाट इज द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू 3,500 रुपीज़. 3,500 रुपीज़. ओके, ठीक. इसके पीछे दिस वन, दिस इज जापानीज सोलो एंजल. ये फीमेल है ज़ेब्रा एंजल की एक्चुअली. फीमेल. ओके, एंड प्राइस विल बी? दिस इसका प्राइस, दिस इज ऑल्सो लार्ज साइज, तो इसका प्राइस भी अराउंड 4,500 है. ओके, ठीक. इसके राइट साइड में कमाल की खूबसूरत फिश है, बेलूस एंजल. बेलूस एंजल फीमेल. फीमेल. ओके, एंड यहाँ पे ये फिश व्रास आ रही है काफ़ी. फिर आगे सामने काफ़ी कमाल की दिख रही है. बैक टू द बेलूस एंजल, व्हाट इज द प्राइस? बेलूस एंजल फीमेल, इट विल कॉस्ट 7,500 रुपीज़. ऑल राइट, नेक्स्ट फिश भाई इस टैंक में कौन सी बताओगे? आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस थिंग wrasse है. यहाँ पे दिस वन रेडेड. ओके, चला गया द पाइप के पीछे जो चला गया. रेडेड फेरी wrasse बोलते हैं. रेडेड फेरी wrasse. ओके, व्हाट विल बी द प्राइस? इसकी प्राइस आएगी अपनी 2,800 रुपीज़. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस फिश. ये वाली, दिस इज ब्लॉन्ड नासो टैंक. ब्लॉन्ड नासो टैंक. व्हाट विल बी द प्राइस? दिस इज़ द लार्ज साइज, तो इसका प्राइस इट विल कॉस्ट अराउंड 4,000 रुपीज़. ओके, इस फिश की मुझे बॉडी अपीयरेंस काफ़ी कमाल की लगती है. डॉर्सल फिन, इसकी जो टेल फिन है काफ़ी मतलब अलग से इसको बनाया गया है. सो ये अभी फिश के बारे में बात करते हैं. स्कोपस टैंक. स्कोपस टैंक. राइट. व्हाट विल बी द प्राइस? दिस विल कॉस्ट 2,500. राइट. इसके अंदर भाई हम क्लाउंस देख लेते हैं. ये वाले वन ऑफ किलो क्लाउंस है. ये ट्रू पॉक्यूलर क्लाउंस. ओके, काफ़ी लोग की मनपसंद फिश होती है, इवन मेरी फेवरेट फिश है. क्या प्राइस में आएगी? दिस इज़ लार्ज साइज ट्रू पॉपुलर, इट विल कॉस्ट यू 2,800 रुपीज़. ओके, यहाँ पे और भी ऊपर काफ़ी सारे क्लाउंस हैं. ओके, सो दे आर स्टेइंग टुगेदर, दे विल नॉट फाइट. हियर आर मोर क्लाउन फिशेस. दिस इज गोल्डन स्ट्राइप मरून क्लाउन, स्मॉल साइज. ओके, दिस इज अगेन ट्रू पॉपुलर्स. ओके, मिथिलेश भाई हम व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आई थिंक 9 क्लाउन फिश टाइप्स कवर किए थे. 12. ओके, 12 हमने क्लाउन फिश टाइप्स कवर किए थे. आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई स्टोर नहीं जो इतने सारे क्लाउन फिश रखता है. राइट मिथिलेश भाई? MBDB जी, MBDB मरीन ट्रेडिंग में आपको इतने सारे क्लाउन फिश के वराइटीज एक अंडर वन रूफ एट वन स्टोर आपको मिलेंगे. तो अगर आपको वीडियो देखना है तो यू कैन वॉच द वीडियो, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यहाँ पे डबल एक्सेल मरून क्लाउन. दिस इज डबल एक्सेल मरून क्लाउन. काफ़ी बड़ी साइज है इस फिश की. बड़ी है, काफ़ी बड़ी. इतना बड़ा भाई साइज देखने को मिलता नहीं है. राइट. राइट. बिकॉज मैंने भी जितने भी स्टोर्स पे देखी है छोटी छोटी ऐसी नन्नी सी देखी है. इतनी बड़ी कभी देखने को मिली नहीं मुझे. लास्ट टाइम भी हमने इसको कवर किया था. राइट. क्या प्राइस में आएगी? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 रुपीज़. ओके, रकून बटरफ्लाई. दिस वन लार्ज साइज रकून बटरफ्लाई. रकून बटरफ्लाई. ओके, व्हाट विल बी द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू 3,500 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट फिश यहाँ पे, व्हाट इज द नेम भाई? दिस इज सिक्स लाइन wrasse. सिक्स लाइन wrasse. हाँ, नाम के ऊपर ही पता चल रहा है बॉडी के ऊपर सिक्स लाइन्स होते हैं. हाँ. सो भाई व्हाट विल बी द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2,200 रुपीज़. लार्ज साइज सिक्स लाइन wrasse. ओके, तो इसी टैंक में हम एक बॉक्स में अगली फिश देख रहे हैं. तो भाई व्हाट इज़ द नेम? दिस इज वाइट रिबन ईल. अच्छा, तो पहली वाली देखी थी हमने ब्लैक रिबन थी. ब्लैक रिबन. राइट. दिस इज अ वाइट रिबन ईल. यस. व्हाट विल बी द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 3,500. ऑल राइट. राइट. नेक्स्ट फिश अब हम देख रहे हैं भाई, व्हाट इज द नेम? दिस इज मजेस्टिक एंजल. एंड प्राइस? 5,500 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट फिश. दिस इज रीगल एंजल लाइनिंग वाली. दिस वन. या, इट्स लार्ज साइज रीगल एंजल. ओके, सेम, इट्स 5,500 रुपीज़. ओके, एंड दिस वन अगेन.
This is again the last size maroon clown. Maroon clown. Yeah. Okay. And here pe blue tank hai. Regal tank. Regal yeah. tank. Haan. What will the price? Regal tank medium size. There are two sizes, medium and large. Medium will cost you 2,800. Okay. And large will cost you 3,500. Okay. And here is a very attractive fish. This is flagfin angel. Flagfin angel. Large size. Okay. This will cost you around 4,500 rupees. 4,500 rupees. Yeah. Okay. Iski colors काफी attractive hai. ये वाली yellow anthias. Yellow anthias. Okay. And price? Yellow anthias will cost you 2,500 rupees. Okay. इसके अंदर और कौन से fish है भाई? और then there is magnificent foxface, black popular clown. This one black popular clown. Black popular clown. I think the fourth variety or third variety that we are covering. What will be the price? This is for 2,500. Okay. And you can cover from top these things, clowns sure, are there sure. in this. Yeah, we have kept separate because they will not fight. Achha. Yeah. So which clown is this? This is a popular clown. Popular Orange clown. Popular clown will be say. Okay. And this one is again same. What will be the price? Popular clowns, medium size will cost you 1850 and large size will cost you 2200. Okay. Here is the next awesome tank that we are covering at MBDB Trading. सबसे पहले हम इस box के अंदर एक कमाल की fish cover कर रहे हैं. क्या नाम है भाई इस fish का? This is banded pipe fish. Banded pipe fish. So why this is color banded pipe fish? Color banded pipe fish, yeah. Okay. क्या size है भाई अभी इसकी? This is all small sizes. अच्छा. Small medium के बीच की size है. All right. क्या price में आएंगी ये? 2,500. Okay. These are like very uncommon fish according to me because मेरे को देखने को नहीं मिलेगी कभी भी MBDB Marine Trading में पहली बार मैंने देखी fish last time जब इनका stock आया था और इससे बड़ी थी right उस time पे भाई हाँ इससे बड़ी थी okay last size जी और इस time के अंदर आप देख सकते हो काफी सारे fishes हैं सबसे पहले will cover the fish which are over here these are like yellow fox face what will be the price yellow fox face large sizes हैं हमारे पास अभी तो these all are for 3,000 रुपीस। ओके। ये ग्रुप में सारी तैर रही है भाई फिशेस। इसमें एंथियास है, दो तीन वैरायटीज के एंथियास है इसमें। ओके। तो एक है येलो बैक क्वीन एंथियास है, उसके बाद डिस्पार एंथियास है। ओके। येलो एंथियास भी है इसमें। प्राइस कैसी रहेगी इनकी? येलो बैक क्वीन एंथियास इस पर 3,000 रुपीस। ओके। एंड देन डिस्पार एंथियास इस पर 2,500 एंड येलो एंथियास अगेन 2,500 रुपीस। ओके। इस टैंक में अगली खूबसूरत वैरायटी हम देखने वाले हैं अभी जो यहाँ पे है और हमने मिथलेश भाई एक वीडियो में अनकॉमन एक्सोटिक फिश में इसको कवर किया था क्या नाम है इस फिश का भाई बॉगिस बटरफ्लाई बॉगिस बटरफ्लाई ओके ये भी भाई काफी अनकॉमन एक्सोटिक होती है राइट ऑलराइट व्हाट विल बी द प्राइस 7,000 रुपीस ओके इसके अंदर और एक है जो यहाँ पे ठीक है अब हम देख रहे हैं अगली वैरायटी तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉकुलर क्लाउन की आप पैटर्न देख सकते हो मिथलेश भाई व्हाट कैन यू टेल अबाउट इट दिस इज एक्चुअली यू कैन से लाइक इट्स अ वेरी गुड ग्रेड ऑफ ट्रू पॉकुलर क्लाउन राइट राइट इट्स नॉट ए ग्रेड बट इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग एंड द कलर्स आर वेरी डार्क दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव सो सेम प्राइस नो दिस इज हायर दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 3,500 रुपीस ओके एंड हियर इज नेक्स्ट क्लाउन वैरायटी दिस इज रेड एंड ब्लैक क्लाउन और यू कैन कॉल इट एज टोमेटो क्लाउन ओके व्हाट विल द प्राइस दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2,200 रुपीस ओके मीडियम इज 2,200 एंड लार्ज विल बी 2,500 ओके अब हम देख रहे हैं टैंक के जो पीछे चल रही है वो वैरायटी इनको बोलते हैं भाई मैंडरिन्स या इट्स रेड फिन मैंडरिन रेड फिन मैंडरिन्स ओके सो भाई ये कैसे बॉटम में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं नहीं एक्चुअली इन लोग एक्वास्केप रहेगा रॉक्स रहेंगे तो उसमें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं दिस इज बेयर बॉटम ओके तो उसके थोड़ा कोने कोने में घूम रहे हो सो क्या प्राइस में आएंगे ये दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2,500 ओके सो अगेन वी आर कवरिंग दिस वैरायटी भाई व्हाट इज रीगल एंजल ओके एक्सेल साइज है नो इट्स लार्ज साइज ओके एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिस वन अगेन वेलूस एंजल फीमेल है वो ओके तो अगली कौन सी फिश आप बताओगे ऑरेंज बैक फायर रास दिस वन या ओके एंड नेक्स्ट फिश दिस वन पाउडर ब्लू टैंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पाउडर ब्लू टैंक ओके एंड आई थिंक वी मिस्ड आउट दिस फिश दिस इज सेम ब्लॉन्ड नासो टैंक ब्लॉन्ड नासो इट्स मीडियम स्मॉल साइज मीडियम स्मॉल साइज ओके भाई वन थिंग आई हैव नोटिस कि जब बड़ी हो जाती है ये फिश तब इसका पूरा जो डॉर्सल फिन जो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है टेल फिन जब स्टार्ट होती है ना टेल फिन वो भी पूरी बदल सी जाती है राइट सेम प्राइस या ओके
सब फिश इसके अंदर हो गए भाई. ओके सो वी हैव कवर्ड 4 टैंक्स. अभी हम कवर कर रहे हैं काफ़ी कमाल की फिश जो यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हो. तो भाई व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फिश? दिस इज एंटीनाटा रेडियाटा लायन फिश है. ओके रेडियाटा एंड एंटीनाटा दो मिक्स तीन वैरायटीज का कवर होता है. पिछले बार भी भाई हमने 3 से 4 लायन फिश की वैरायटीज कवर की थी. इस बार भी आपके पास वैरायटीज अवेलेबल है. ऑल राइट दिस वन इज़ अ रेडियाटा एंटीनाटा. ओके सो व्हाट विल बी द प्राइस? 3500. ओके इट्स बिग साइज. ओके और तो भाई लाइन फिश के बारे में जानना चाहूँगा. जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दे रही है. एंड आई एम सो लकी कि ये कैप्चर करने मुझे मिल गया. तो इन तो ये जो मतलब इनके बॉडी का जो होता है पार्ट, तो ये कैसे मतलब बड़ा करते हैं छोटा करते? जैसे नॉर्मल फिश अपने डॉर्सल फिन खड़ी कर देती है, तो डू दिस फिश लाइक डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स? या दे डू वंस दे गेट अपग्रेड. यू कैन नॉट टच इट डायरेक्टली. इफ यू विल टच इट डायरेक्टली तो इट्स पॉइजनस. मतलब इट्स हार्मफुल. अच्छा डू दे हैव स्टिंग? अच्छा ओके इट्स पॉइजनस. सो यू कैन नॉट टच इट लाइक बेयर हैंड्स वी कैन नॉट टच. ओके सो प्राइस वी डिस्क्लोज्ड इट इट्स फॉर 3500. ओके सो इसी टैंक में नेक्स्ट फिश हम देखेंगे. एंटीनाटा रेडियाटा. ओके दिस वन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और दो लाइन फिश है इसके अंदर, एक एंटीनाटा एक रेडियाटा. ओके यहाँ पे एक झुंड में फुमांचु लाइन. ओके ट्विन स्पॉट लाइन भी बोलते हैं. ओके तीन नाम है, टू स्पॉट लाइन, ट्विन स्पॉट लाइन और फुमांचु लाइन. ओके इनके ऐसे बड़े बड़े थॉर्न्स या स्पाइक्स नहीं होते. नहीं नहीं. ओके दैट इज़ वाई दे स्टैंड डिफरेंट, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर रेस्ट ऑफ द लाइन फिश. इसी टैंक में व्हाट विल द प्राइस भाई? 3500. ओके 3500 रुपीज़. इसी टैंक में ये झुंड घूम रहे हैं, इसके अंदर हमने सारे कवर किए हैं राइट पिछले वाले. ट्रिपल एक्सेल क्लाउन फिश देख लो. ट्रिपल एक्सेल? ओके जो ऊपर चली गई है. व्हाट विल बी द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज. ओके ट्रिपल एक्सेल क्लाउन के बाद आप देख सकते हो नीचे उससे भी बड़ी फिश है यहाँ पे. तो भाई इस साइज को क्या बोलेंगे आप? मोर देन ट्रिपल, इसको भी ट्रिपल एक्सेल में ही बोलेंगे. अच्छा उससे बड़ी है बट राइट. प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी? नो इट्स सेम. अच्छा सेम प्राइस में मिल जाएगी. ऑल राइट इस टैंक में. एंड कौन सी फिश आप दिखाओगे भाई? दिस वन इज जुवेनाइल ब्लू फेस एंजल. दिस वन जुवेनाइल ब्लू फेस एंजल. जुवेनाइल ब्लू फेस एंजल. ओके somewhat looks like emperor angel but it is not similar. Totally it will change up. Acha okay yahan pe if I'm not wrong mandarin hai. Okay. Red fin mandarin, blue fin mandarin. Okay what will the price? 2500 rupees. Okay and rest we have covered it. This scissor one the group scissor tail dart fish. They swim in groups. Yeah acha what will be the price? 2200. Okay. So we have covered all the fish in this tank. So we have covered like 6 tanks till now. Moving forward. अगली टैंक है यहाँ पे. आप देख सकते हो ग्रुप्स में फिश तैर रही है. क्या नाम है भाई इनका? दिस इज ब्लू ग्रीन क्रोमिस बोलते हैं. एंड प्राइस क्या रहेगी? 750 रुपीज. ओके अब हम देख रहे हैं न्यू स्टॉक के कुछ एक्जोटिक क्लाउन फिश जो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और आपको शायद ही कहीं और किसी और स्टोर में देखने को मिलेंगे. ये काफ़ी एक्जोटिक होते हैं. मिथिलेश भाई क्या बोलना चाहेंगे इनके बारे में? दीज आर गोल्डन नगेट क्लाउन. गोल्डन नगेट क्लाउन. ओके एंड व्हाट विल बी द प्राइस? 10,000 रुपीज़. ओके तो भाई ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, काफ़ी एक्सोटिक होते हैं. अच्छा हाँ. ओके और ये मिलते भी नहीं. नाउ डेज इन इंडिया में काफ़ी डिमांड हो गए थे. ओके तो वी आर गेटिंग लाइक ऑन प्री ऑर्डर. ऑलराइट सो हियर आर सम मोर नगेट क्लाउन्स. So here is another mandarin. This is a spotted mandarin. Spotted mandarin. What will be the price? 2500. Next awesome clown variety we are watching. Here it is. So bhai kya naam hai iska? Premium black snowflake. Premium black snowflake. Okay. ये भी clown fish मैंने यहाँ पे
MBDB मरीन ट्रेडिंग में फर्स्ट टाइम देखी, तो भाई क्या प्राइस में आएगी? 10,000। ओके 10,000 रुपीस। तो अब हम देख रहे हैं और एक एग्जॉटिक क्लाउन फिश की वैरायटी, और आप देख सकते हो कि इसका लुक जो है काफ़ी हटके, काफ़ी कमाल से, और बाकी के क्लाउन से काफ़ी अलग दिख रही है। तो क्या नाम है भाई इस क्लाउन का? दिस इज प्लैटिनम स्टॉर्म क्लाउन। प्लैटिनम स्टॉर्म क्लाउन, पूरी व्हाइट है भाई कलर में। हाँ। एक भी स्पॉट नहीं इसके नीचे फिन्स पर। जी जी जी, एनल फिन के पास स्पॉट्स है, बाकी पूरी बॉडी इसकी पूरी व्हाइट कलर की है। व्हाट वाज द प्राइस? 10,000 रुपीज अगेन। ओके, तो इसके अंदर है प्रीमियम ब्लैक, ब्लैक स्नो फ्लेक, सेम प्राइस भाई जो हमने ऊपर कवर किया था 10,000। तो भाई ये कितनी बड़ी होती है कि इतनी रह लेंगे? इट विल ग्रो लाइक 3 inches, 4 inches तक जाती है, मैक्सिमम 4 inches तक जाती है। इससे बड़ी भी हो सकती है, लाइक यू कैन सी अभी जैसे मरून क्लाउन कहते बड़े हो गए। अच्छा, नॉर्मली छोटे रहते हैं। ओके, और यहाँ पे टैंक के कोने में एक झुंड में फिश है, तो भाई क्या नाम है इनका? दिस इज फ्लेम गोभी। फ्लेम गोभी, व्हाट विल बी द प्राइस? फ्लेम गोभी विल कॉस्ट यू अराउंड 1850। ऑल राइट, सो नाउ वी आर वॉचिंग सम आई कैची वराइटीज ओवर हियर इस टैंक के अंदर, तो भाई क्या नाम है इनका? दिस इज बंगाई कार्डिनल्स। बंगाई कार्डिनल्स, ये सारे भाई ग्रुप में एक साथ तैर रहे हैं, इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। राइट, आई प्लीजिंग है काफ़ी। व्हाट विल बी द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1800 रुपीज। ओके, एंड यहाँ पे दिस इज गोल्डन हेड गोबीज। गोल्डन हेड गोबीज, व्हाट विल बी द प्राइस? गोल्डन हेड गोबीज लार्ज साइज, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे अभी जस्ट ये फिश ने काफ़ी अच्छा सा नज़ारा दिया था। इट इज़ लाइक सैंड, इट इज़ टेकिंग सैंड इन इज माउथ एंड थ्रोइंग। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये अभी सैंड को अपने मुंह में लेके बाहर फेंक रही है। सो इट ट्राइज टू डिग दैट प्लेस बाइट, एंड इट ट्राइज टू लाइक मेक अ हाइडिंग स्पेस। अच्छा, ओके, इसके ठीक यहाँ पे एक फिश है, दिस इज येलो कैंडी हॉक फिश। ओके, व्हाट विल द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू 1850। ओके, नेक्स्ट टैंक में हम देख रहे हैं अभी, हियर इज अ ब्यूटीफुल क्लाउन भाई, व्हाट इज द नेम? दिस इज गोल्डन स्ट्राइप मरून क्लाउन एक्सेल साइज, एंड द प्राइस विल बी? प्राइस विल बी द सेम लाइक जो मैंने बोला था, 3500 टू 4000 के रेंज में ऑन द साइजेस। ऑलराइट, यहाँ पे बंगाई गार्डन है सारे। ओके, विल मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट टैंक में, यहाँ पे दिस इज बेटा मरीन। बेटा मरीन, ओके, काफ़ी अट्रैक्टिव इसके बॉडी के जो शेप है, बॉडी के जो पैटर्न्स हैं, क्योंकि पूरी बॉडी ब्लैक है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स है उसके बॉडी के ऊपर, लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। व्हाट विल बी द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5500 रुपीज। ओके, और ठीक यहाँ पे टैंक के अंदर एक काफ़ी चुलबुली वैरायटी, काफ़ी स्विफ्टली तैर रही है, क्या नाम है इसका? दिस वन इज हाफ ब्लैक एंजल। हाफ ब्लैक एंजल, आई थिंक आई एम वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस एंजल वराइटी। नाम में ही पता चल रहा है हाफ ब्लैक, यानी टेल का जो पोर्शन है वो ब्लैक है और बाकी का पोर्शन ऑफ वाइट है। व्हाट विल द प्राइस भाई? हाफ ब्लैक एंजल विल कॉस्ट यू 2500। ऑल राइट, एंड यहाँ पे छोटी नन्ही सी टाइनी फिश है ये वाली, दिस इज येलो बेली डैम्सल। येलो बेली डैम्सल भी बोलते हैं। द प्राइस विल बी? प्राइस इसकी आएगी 750 रुपीज। ओके, दिस वन इज अ क्लाउन, दिस इज अगेन हाफ ब्लैक, रेड एंड ब्लैक क्लाउन, हाउ एल्स यू कैन कॉल इट, टोमेटो क्लाउन, सेम प्राइस? सेम प्राइस। ओके, नेक्स्ट टैंक यहाँ पे सेम वराइटीज। ऑल राइट, यहाँ पे काफ़ी सारे फिशेज हैं, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। इसमें येलो है, एंथियास है, दिस इज डिफरेंट। अच्छा, दिस वन इज येलो है, एंथियास बोलते हैं। ओके, व्हाट विल द प्राइस? दिस विल कॉस्ट यू 2500 रुपीज। ओके, एंड वी हैवंट कवर्ड दिस क्लाउन वैरायटी, सेटल ब्लैक क्लाउन। सेटल ब्लैक क्लाउन, व्हाट इज द प्राइस? 1850। ओके, एंड यहाँ पे दिस वन, दिस इज डॉक्टर रास बोलते हैं इसको, रेनबो रास भी बोलते हैं, डॉक्टर रास भी बोल सकते हैं। ओके, ये आपको आ जाएगी 750 रुपीज की। ओके, एंड यहाँ पे एक छोटी सी टैंक, ऑटो ब्लू टैंक है, ऑटो ब्लू टैंक है। प्राइस रहेगी उसकी? इसकी प्राइस एक्चुअली इट विल बी अराउंड 2800 रुपीज। राइट, सो वी हैव कवर्ड ऑल द फिश, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंजल। इज अ वाइट कलर एंजल, आई थिंक इट इज हाइडिंग बिहाइंड द रॉक। हाइडिंग, अच्छा, उसके बाद हम ये फिश देख रहे थे, बाइकलर पैरेट भी है पीछे, व्हाइट वाली जो देख रहे हैं, बाइकलर पैरेट। ओके, दिस वन, दिस वन इज बाइकलर पैरेट, वेरी अट्रैक्टिव।
पैरेट वैरायटी मरीन की पैरेट है क्या प्राइस में आएगी दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 3500 रुपीस यहाँ पे आ गई है व्हाइकल एंजल प्राइस विल बी 1850 स्मॉल साइज ओके दिस इज अ रीगल एंजल ओके एंड दिस वन भाई दिस ऑरेंज बैक रास ऑरेंज फेरी रास ऑरेंज बैक फेरी रास प्राइस विल बी प्राइस विल बी 2500 रुपीस ओके नेक्स्ट वैरायटी दैट वी आर कवरिंग इट इज लुकिंग वेरी अनकॉमन एंड वेरी अट्रैक्टिव बेटा मरीन सेम प्राइस ओके एंड यहाँ पे ऑरेंज कंक क्लाउन व्हाट विल बी द प्राइस 1850 ओके एंड दिस वन लमाक एंजल एंड द प्राइस 3500 ओके अब हम देख रहे हैं एक नेक्स्ट फिश जो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे हम इसका नाम जानेंगे सुमितलेश भाई क्या नाम है इस फिश का दिस इज हर्लिकिन ग्रुपो बोलते हैं हर्लिकिन ग्रुपो एंड क्या प्राइस है इसकी दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 4500 रुपीस ओके एंड यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव है फिश ये दिस वन इज रेडेड वेरास ओके सेम प्राइस ओके एंड इसके अंदर क्लाउन्स है डैम्सल्स है एंजल्स है और नेक्स्ट टैंक में हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ये वाली फिश देख लेते हैं सो हियर इज द नेक्स्ट फिश तो भाई व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश दिस इज स्पॉटेड हॉक फिश पूरे बॉडी के ऊपर ना काफ़ी कमाल के स्पॉट्स है इसके बॉडी के ऊपर व्हाट विल बी द प्राइस दिस विल कॉस्ट यू 2500 रुपीस ओके सो एमबीडीबी मरीन ट्रेडिंग की एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि ऐसे अनकॉमन फिश काफ़ी इनके पास मिलते हैं जो शायद ही आपको कहीं और स्टोर में मिलेंगे ये यहाँ पे ठीक और एक कमाल की फिश है भाई व्हाट इज़ द नेम मेटेड फाइल फिश व्हाट विल द प्राइस 1850 रुपीस ओके एंड इसके अंदर सारे क्लाउन्स हैं ओके सो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो और भी काफ़ी सारा मरीन का स्टॉक है इनके पास हमने ऑलरेडी ये सारे फिशेस कवर कर चुके हैं पहले वाले टैंक्स में मैं आपको एक थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ वन फिश वी मिस्ड आउट शायद से येलो वॉचमैन गोबी दिस वन व्हाट विल बी द प्राइस येलो वॉचमैन गोबी इज 1850 रुपीज़ लार्ज साइज है ऑलराइट सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और भी काफ़ी सारे फिशेस है जो मिथिलेश भाई ने सेपरेट किए हैं सेपरेट टैंक्स में रखे हैं सो दिस वॉज द टूडेज वीडियो इस पूरे मंथ का ये पहला वीडियो जो मैंने शूट किया था ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ नवंबर जो एक्चुअल में एक लेटेस्ट वीडियो रहेगा और जो जितने भी आप सारे वीडियोस देखे वो सारे अक्टूबर के शूट किए हुए वीडियोस थे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा इफ़ यू लव दिस वीडियो डू हिट द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन sjinceptions एंड थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी पर्सन फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड मेकिंग अस रीच 100K सब्सक्राइबर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ वंडरफुल डे अहेड